अलेक्जेंडर के बारे में आप सब जानते ही होंगे, लेकिन अलेक्जेंडर भारत में विजय नहीं हो पाए थे। लेकिन भारत में एक ऐसे राजा होके गए जिन्हें दिग्विजयी कहा जाता है। दिग्विजयी यानी कि ऐसा राजा जिसने सब युद्धों में विजय प्राप्त की हो। और इस दिग्विजयी राजा का राज्य कुछ इतना बड़ा दिखता था। मैं बात कर रही हूँ कश्मीर के करकोटा डायनेस्टी के राजा महाराज ललितादित्य मुक्तपीड़ा की। ये बर्फीले पहाड़ और ये कश्मीर की सुंदर घाटी और इस प्राकृतिक सौंदर्य के बीच में बसा है ये सूर्य मंदिर, मार्तंड सूर्य मंदिर। इतने शतकों के परकीय आक्रमणों के बाद भी ये सूर्य मंदिर इसे बनाने वाले महान राजा की कहानी बताता है। ललितादित्य मुक्तपीड़ा 8th century के राजा थे और इनके बारे में हमें जानकारी मिलती है 12th century के पंडित कल्हण जी ने लिखे हुए एक संस्कृत ग्रंथ से जिसका नाम था राजतरंगिणी, जिसका हिंदी में अनुवाद होता है राजाओं की नदी। और कल्हण जी ने ये दावा किया था कि कश्मीर में 5000 सालों से हिंदू राजाओं का राज था। कल्हण ने ये लिखा है कि कर्कोट राजाओं के पूर्वज थे महाभारत के नागराज कर्कोटक। कश्मीर में पहले गोनन राजवंशियों का राज था और इस राजवंशियों के आखिरी राजा थे बलादित्य। लेकिन बलादित्य को कोई पुत्र नहीं था, तो उन्होंने अपनी पुत्री अंगलेखा के पति यानी कि अपने दामाद को ही 625 CE में राजा घोषित किया था, जिनका नाम था राजा दुर्लभावर्धन। और कल्लण ने ये लिखा है कि राजा दुर्लभावर्धन महाभारत के नागराज कर्कोटक के वंशावली से आते हैं। दुर्लभावर्धन ने बौद्ध, शैव और वैष्णव सभी धर्मों का मान रखा था। 661 CE में दुर्लभावर्धन के पुत्र प्रतापादित्य राजा बने और उन्होंने कश्मीर का राज्य पंजाब के जलंधर तक बढ़ाया था और उनके मुहर के सिक्के भी यहाँ से मिले हैं। प्रतापादित्य के 3 पुत्र थे। पहले थे चंद्रपीड़ा, दूसरे थे तारपीड़ा और तीसरे थे ललितादित्य। 711 CE में चंद्रपीड़ा राजा बने, लेकिन उन्होंने सिर्फ 8 साल और 8 महीनों के लिए राज किया था, क्योंकि उनके छोटे भाई तारपीड़ा ने उन्हें छल से मार दिया था। ब्राह्मण पदाधिकारियों ने तारपीड़ा के इस धर्म को रोकने के लिए तारपीड़ा को मार दिया था। और 724 CE में छोटे बेटे ललितादित्य मुक्तपीड़ा को महाराज घोषित किया था और कश्मीर को उसका सुवर्ण युग दिखाने वाले यही राजा थे। कई वर्षों से अरब लोग भारत पे आक्रमण करना चाह रहे थे, लेकिन वो हर बार असफल हो रहे थे क्योंकि सिंध के राजाओं ने उन्हें रोक के रखा था। लेकिन 712 CE में सिंध के आखिरी हिंदू राजा राजा दाहर की युद्ध में मृत्यु हो गई और इसके बाद अरबों ने सिंध पे कब्जा कर लिया था। इस महान राजा और सिंध के शूर नारियों का इतिहास आप इस वीडियो में देख सकते हो। राजा दाहर की मृत्यु के बाद अरबों ने सिंध में नया गवर्नर भेजा जिसका नाम था जुनियाद अल मुरी। इसकी खबर राजा ललितादित्य को भी थी और राजा के लिए कश्मीर की सीमा का संरक्षण सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था, इसीलिए राजा ने पंजाब की सीमा को पार करके जुनियाद पे आक्रमण किया। और इस आक्रमण में राजा ललितादित्य विजयी भी हुए थे और इस हार के बाद जुनियाद ने वापस कभी कश्मीर की ओर देखा भी नहीं था। फिर जुनियाद ने अपना रास्ता बदल लिया और वो मध्य भारत की ओर जाने लगा। वहाँ पे राजपूत राजा और अन्य राजाओं ने एक साथ आके जुनियाद को हरा दिया था और इसकी वजह से जुनियाद को 3 बार हार का सामना करना पड़ा था। फिर जुनियाद उज्जैन की ओर आगे बढ़ने लगा था। वहाँ भी कनौज के राजा यशोवर्मन का राज था, लेकिन ललितादित्य ने यशोवर्मन के साथ आके जुनियाद को वापस एक बार हरा दिया। इतने बार हार देखने के बाद खलीफा ने जुनियाद को वापस बुला लिया था। फिर खलीफा ने जुनियाद के जगह एक नए गवर्नर को भेजा जिसका नाम था तमीम अल उद्बी, लेकिन महाराजा मुक्तपीड़ा ने उसे भी वापस जाने पे मजबूर किया था। उसके बाद वापस एक गवर्नर आया था जिसका नाम था अल हकम, लेकिन वो भी भारत में कुछ कर नहीं पाया था। महाराजा मुक्तपीड़ा ने अरबों को ऐसी हार का सामना करवाया था कि अरबों ने वापस 3 शतकों तक भारत पे आक्रमण करने के बारे में सोचा भी नहीं था। काबुल, गांधार, जबूलिस्तान और तोखरिस्तान ये सभी राज्यों का कश्मीर के साथ मित्रत्व तो था, लेकिन सतत के अरबों के आक्रमणों की वजह से ये राज्य कमजोर होते जा रहे थे और वो 2 शतकों से अरबों से अपनी रक्षा कर रहे थे।
और इन सभी राज्यों का सुरक्षित होना कश्मीर के लिए जरूरी था, क्योंकि यहाँ से कश्मीर के व्यापारी मार्ग जाते थे। और ललितादित्य ने इन सभी राज्यों को अर्ध स्वतंत्रता देके अपने राज्यों में समा लिया था। फिर राजा ललितादित्य मुक्त पीड़ा ने राजा यशोवर्मन, जो तिब्बत से हुए आक्रमण में लड़ रहे थे, उनका साथ दिया था, क्योंकि इन दोनों राजाओं के लिए वो भाग जरूरी था, क्योंकि वहां से 5 व्यापारी मार्ग जा रहे थे और ये 5 व्यापारी मार्ग इन दोनों ही राज्यों के उन्नति के लिए जरूरी थे। राजा ललितादित्य मुक्तपीड़ा के सफलताओं से कश्मीर की जनता काफी खुश थी और राजा के विजय के लिए उन्होंने एक उत्सव मनाना भी चालू किया था, जो 400 सालों के बाद भी कश्मीर में मनाया जाता था और इसका प्रमाण हमें कई हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में भी मिलता है। कश्मीर विकसित हो रहा था, राज्य भी बढ़ रहा था और राज्य की आर्थिक वृद्धि भी हो रही थी। और राजा ललितादित्य मुक्तपीड़ा ने कश्मीर के विकास हेतु अनेक निर्णय लिए थे और उनमें से एक महत्वपूर्ण निर्णय था नए नगरों का निर्माण और नए वास्तुओं का निर्माण। उन्होंने कश्मीर के लिए एक नए राजधानी का भी निर्माण किया था, जिसका नाम था परिहासपुर, जिसका अर्थ होता है आनंद का शहर, और इसे आज परसपुर कहा जाता है और श्रीनगर से ये 22 किलोमीटर की दूरी पे है। उन्होंने अपने लिए एक महल भी बनवाया था और 4 भव्य मंदिर भी बनवाए थे, जिनका नाम था परिहास केशव मंदिर, मुक्ता केशव मंदिर, गोवर्धन देव मंदिर और चौथा था महावराह मंदिर। इन मंदिरों के अलावा भी एक भव्य मंदिर था, जो आज भी कश्मीर में खंडित अवस्था में है और अपना भव्य इतिहास भी बताता है, जिसका नाम था मार्तंड सूर्य मंदिर। और इस मंदिर पे एक वीडियो पहले से ही मैंने बनाया है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। परिहास केशव मंदिर के मुख्य भगवान की मूर्ति 3600 किलो चांदी से बनी थी और मुक्ता केशव भगवान की मूर्ति 840 किलो सोने से बनी थी। और इस मंदिर के बाहर एक ऊंचा गरुड़ स्तंभ भी था। कश्मीर में राजा ललितादित्य मुक्तपीड़ा ने एक भव्य बुद्ध की मूर्ति भी बनाई थी, जो 62,000 किलो तांबे से बनी थी। ये था राजा ललितादित्य मुक्तपीड़ा और कश्मीर के यशोगाथा का पूर्वाद। लेकिन राजा ललितादित्य मुक्तपीड़ा दिग्विजय कैसे हुए थे और उन्होंने कश्मीर में कैसी व्यवस्था बनाई थी और उनका रहस्यमय तरीके से गायब हो जाना, ये सब हम अगले वीडियो में जानेंगे। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। प्रणाम।